हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो हेनरी मिंटबर्ग थे, उन्होंने मैनेजेरियल रोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसका फर्स्ट पार्ट आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि है इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट क्या होता है? इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस प्रीजुडिस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा इफेक्टिव वे होता है, मतलब इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट, कि लोग क्या करें, आपस में एक दूसरे से लगातार बात करते रहें। ठीक है, इससे क्या होता है, जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या, अगर एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो ये होता है, हम क्या करते रहते हैं, लोगों को प्रेजुडिस करने लगते हैं कि अरे यार वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। लेकिन अगर उनसे उनमें क्या इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रेजुडिस की प्रॉब्लम है, ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। Properly manage contact between the groups should reduce problem and lead to the better interaction. ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी क्या कर रहा है, इस तरीके से ग्रुप को मैनेज कर रहा है कि उनमें क्या हो रहा है, लगातार कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, एक ग्रुप को देख के, एक उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को देख के, तो क्या होता है, वो बहुत कम हो जाता है और लोगों में क्या होता है, एक अच्छा इंटरेक्शन, एक हेल्दी इंटरेक्शन बना रहता है। ठीक है, वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेजुडिस नहीं करते हैं और लोगों के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। ठीक है, इट सीम्स सिंपल इफ वन हैव द अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, देन वन इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर ये देखा जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है कि अगर लोगों को बात करने की आप अपॉर्चुनिटी दो दूसरों से, तो ये बहुत इजी हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट्स को समझते भी हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। उससे उन लोगों को नॉलेज भी बहुत मिलती है कि हाँ एक्चुअली में क्या इनका परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्विंग डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ये लोग जानते हैं और उनका अलग अलग लाइफ को जीने का तरीका, जो उनके डिफरेंट वेज है, उनको भी क्या करते हैं, ये लोग समझते हैं आपस में जब बात करते हैं। तो द थ्री इंटरपर्सनल रोल्स आर प्राइमरी बाई कंसर्न्ड विथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये तीन इंटरपर्सनल ऐसे रोल्स होते हैं जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाने में क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। वो क्या है, देखो, फिगर हेड, लीडर और लियासिन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है, किसी भी इंटरपर्सनल रोल में काफी जरूरी होती हैं। ठीक है, देखो, फिगर हेड क्या होता है, द मैनेजर परफॉर्म सेरिमोनियल एंड सिम्बॉलिक ड्यूटीज एज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर क्या होता है, वो एक तरीके की ऐसी ड्यूटी परफॉर्म करता है कि बहुत सेरिमोनियल होती है, कि उसको जो असाइन की गई है वो वही करता है, सिम्बॉलिक होती है कि मतलब कि सिंबल, जैसे कि जो चीज का सिंबल जो है वही है, तो मैनेजर का भी काम जो है वो वही करता है। ठीक है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरह वो वर्क करता है, इसलिए उसको बहुत क्या होना चाहिए, लोगों से क्या करना चाहिए, हम्बल होना चाहिए और लोगों को इंटरेक्ट करने देना चाहिए, उसको इस तरीके से प्लान एंड पॉलिसी मेक करना चाहिए। ठीक है, फिर है लीडर। लीडर क्या होता है, फास्टर एंड प्रॉपर वर्क एटमोसफियर एंड मोटिवेट्स एंड डेवलप सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, जल्दी काम करना है, एटमोसफियर क्या करना है, ऐसा एटमोसफियर बनाना है, लोगों को मोटिवेट करना है, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग क्या होते हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके में डेवलपमेंट अच्छा होता है, ऐसा डेवलपमेंट होता है कि वो जल्दी जल्दी भी काम करते हैं, सही काम करते हैं, एक हेल्दी एटमोसफियर, एक मोटिवेटिंग एटमोसफियर क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, लियासिन क्या होता है, डेवलप एंड मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा क्या करना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए कि लोग क्या कर सके, बाहर लोग से भी क्या कर सके, मतलब कि उनका कॉन्टैक्ट हो और वो लोग क्या कर सके, इंफॉर्मेशन, बाहरी इंफॉर्मेशन भी गैदर करें और उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करें और डेवलप करें। ठीक है, मतलब
एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए लोगों का, ताकि उनको बाहरी नॉलेज भी क्या हो सके, टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।